उत्तराखंड मंत्रिमंडल के विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई है। प्रदेश में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। शनिवार को हुई थी पीएम मोदी और सीएम रावत की मुलाकात। तो उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज होती जा रही है। पर अभी हाल ही में पीएम मोदी और सीएम रावत की मुलाकात ही हुई थी और दोनों की मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरें भी तेज हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बाद एक्शन में आए हैं दावेदार। तो उत्तराखंड की बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं जो है वो तेज होती नजर आ रही है। शनिवार को हुई थी पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात और मुलाकात के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कई नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं, फेरबदल भी किए जा सकते हैं और बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है उत्तराखंड में। तो प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। अभी हाल ही में पीएम और सीएम की मुलाकात हुई थी, मुलाकात में मंत्रिमंडल को लेकर कई चर्चाएं भी हुई हैं। हालांकि बहुत सारे मुद्दों पर सीएम ने चर्चा की, पर अब ये खबर सामने आ रही है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बाद एक्शन में आ चुके हैं दावेदार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से, जहां बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। चर्चाएं जो है वो तेज होती जा रही हैं और लगातार सीएम जो है वो दिल्ली का दौरा भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में पीएम मोदी से भी मुलाकात किए थे, जहां पे मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा हुई थी। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है, लगातार जो चर्चाएं हैं वो तेज होती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है क्या? लगता है कि इस बार जो इंतजार है तमाम विधायकों का मंत्री बनने का, या फिर जो तीन कुर्सियां जो खाली हैं उनको भरने का, वो पूरा हो जाएगा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अभी पीएम मोदी के पास गए थे तो उस समय उन्होंने इसके बारे में भी चर्चा की कि ये तीन कुर्सियां भरनी है और उसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है। तो ऐसे में आज क्योंकि दिल्ली में ही मुख्यमंत्री हैं और आज जो तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी ताजपोशी को लेकर जो जश्न है वहाँ पे मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत भी करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो उसके मुझे लगता है कि आज कई चीजों पर चीजें साफ हो जाएंगी कि भाई मंत्रिमंडल में जो तीन कुर्सियां हैं उनमें कौन कौन से चेहरे होंगे जिनको भरा जाएगा। कुल मिलाकर अब जो शुभ गुहाट है उसमें काफी हद तक सच्चाई नजर आती है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में जो तीन मंत्रिमंडल की कुर्सी है जिसके लिए 3 साल इंतजार करना पड़ा वो अब अगले 2 साल के लिए भर जाएगी। जी बिल्कुल पंकज, तो खाली कुर्सी जल्द भर सकती है, पर कोई एक अहम चेहरा जिसको लेके चर्चाएं तेज हो या कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में हिस्सा मिल सकता है? देखिए अब चेहरे तो बहुत हैं, 40 माना जा रहा है, 40 विधायक तो दावेदार हैं ही क्योंकि 57 का मैंडेट है। उसमें अगर 40 विधायक दावेदारी कर रहे हैं, अब उसमें से जो प्रमुख नाम है उसमें एक मुन्ना सिंह चौहान है और इसके अलावा जो बलवंत सिंह घोरियाल हैं और इसके अलावा चंद्रा पंत, जो प्रकाश पंत जो पहले मंत्री थे उनकी पत्नी को भी, क्योंकि अभी वो जीत के आई है, हो सकता है उनको भी सरकार मौका दे दे, एक सिंपैथी गेनर भी हो सकती है। और ऐसे ऐसे कई नाम हैं जिनके दावे तो हैं और दौड़ में भी वो शामिल हैं, लेकिन कौन उसमें से मंत्री बनेगा ये तो आलाकमान और केवल मुख्यमंत्री ही जानते हैं। जी बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रिमंडल का विस्तार तेज हो गया है और जल्द किसी ना किसी चेहरे पे मुहर लग सकती है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। लोगों को जाम का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए ट्रैफिक प्लान भी तैयार कर लिए गए हैं। दरअसल देहरादून में वन वे ट्रैफिक प्लान की शुरुआत हो चुकी है। कई मुख्य सड़कों को वन वे किया गया है। पहली बार इस तरह से देहरादून में वन वे सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिससे लोगों को कुछ दिक्कतें भी आ रही है। देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट सड़कें भी बनाए जाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए ट्रायल के तौर पर वन वे ट्रैफिक प्लान शुरू किया गया है। वहीं एसपी ट्रैफिक प्रकाश चंद आर्या का कहना है कि इस प्लान से लोगों को शुरुआत में
जरूर दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन जाम की समस्या के लिए वन वे करना जरूरी है और धीरे धीरे सारा सिस्टम सही हो जाएगा। वहीं देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 2 दिवसीय आईएएस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10 बजे मुख्य सचिव के संबोधन से शुरू होगा ये कार्यक्रम। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, 10 बजे से मुख्य सचिव के संबोधन में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में विकास को लेकर मंथन किया जाएगा, शासन स्तर की चुनौतियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो सेशन के बाद सभी जिलाधिकारियों से भी वार्तालाप होगी। कार्यक्रम के समापन में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी होंगे शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां 2 दिवसीय आईएएस साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सुबह 10 बजे से मुख्य सचिव के संबोधन के साथ ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ अजीत काम्बोज हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा उसमें किन अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी? बिल्कुल पूजा, जो आईएएस वीक है वो अभी कुछ देर बाद 10 बजे से इसका शुभारंभ होगा और मुख्य सचिव के संबोधन के साथ ये शुभारंभ किया जाएगा। आज सेशन इसमें रखे गए हैं 2 दिवसीय सत्र में, जिसमें कई अहम ऐसे बिंदु होंगे जो सीधे उत्तराखंड के जो जीवन यापन है उसको सीधे तौर पर इफेक्ट करेंगे। तो सरकार के जो मुख्य सचिव और तमाम जो आला अधिकारी है वो गहन मंथन चिंतन करेंगे इन विषयों को लेकर कि कैसे उत्तराखंड को और आगे विकास के पायदान पर बढ़ाया जा सके। तो आज सेशन रखे गए हैं जिसमें पहले सेशन की अगर बात की जाए तो ईज ऑफ लिविंग का इसमें पहला संबोधन होगा। इसमें पहला जो सेशन होगा वो ईज ऑफ लिविंग का होगा, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ और वाटर सैनिटेशन डिस्कशन होंगे डीएम के साथ। तो तमाम ऐसे पहलू होंगे जिन पर 10-10 मिनट के तमाम जो अधिकारी हैं, विभागीय सचिव हैं, वो अपनी बातें रखेंगे और किस तरह की चुनौतियां उनके सामने आती हैं या किस तरह की कुछ परेशानियां उनको साझा करनी पड़ती हैं, तो वो सभी आला अधिकारी बैठ कर चिंतन करेंगे, उनसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से कुल 8 सेशन रखे गए हैं, जिसमें जब समापन होगा तो मुख्यमंत्री के हाथों होगा, मुख्यमंत्री खुद आला अधिकारियों के बीच में होंगे और आईएएस वीक में जो भी गहन मंथन चिंतन हुआ है 2 दिनों में उन पर उनसे चर्चा की जाएगी और कुछ टिप्स देने का काम भी मुख्यमंत्री करेंगे। जी बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।